तो गाइज अभी मैं चला रहा हूँ CB350 RS मॉडल। ये उसका रेड वर्जन है, इसमें और एक ब्लू आता है और एक येलो वर्जन है। सो ये थोड़ा कुछ हद तक मुझे बुलेट की याद दिला रहा है। आई गेस कि वही उनका इंस्पिरेशन था या कंपटीशन था, उसको देख के थोड़ा बनाया तो इजी राइडिंग के लिए। अब कोशिश करते हैं थोड़ा रुका के इसको देखने की। गियर शिफ्ट्स इतने स्मूथ नहीं है जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उसका साउंड बहुत अच्छा है। दोनों बाइक मतलब जो मैंने 300 चलाई CB300, उसका भी साउंड बहुत अच्छा था। साउंड इसका भी अच्छा है। गियर बॉक्स ओके, इसमें भी साइड स्टैंड कट ऑफ है बट मैं न्यूट्रल में रख रहा हूँ। सीट थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि उन्होंने शायद ये सर्विस करने के लिए लेके गए थे और मैं बाइक लेके आया हूँ तो फिट नहीं करने दिया और मैंने उनके पास से लेके आया हूँ। तो इसका साउंड देखो कितना अच्छा है। कंफर्टेबल है एकदम, राइडिंग पोजीशन भी कंफर्टेबल है और उसका हर एक चीज़ एकदम आराम से स्लोली होती है। मतलब जो टिपिकली का रॉयल एनफील्ड में जो होता है वैसे ही आराम से एकदम पिकअप है, आराम से उसको गियर बॉक्स शॉकअप्स ओके ही है। इसके और 300 CB300 के मुझे सेम लगे, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। गियरबॉक्स थोड़ा सा, ऑफ कोर्स ये टेस्ट बाइक है तो बहुत से लोगों ने चलाया होगा तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता मैं, बट CB300 का गियरबॉक्स बहुत ही अच्छा है और गाड़ी वो नेक्स्ट लेवल बाइक है यार, उसको कंपेयर नहीं कर सकता। बट उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो गाड़ी जो स्ट्रीट बाइक्स या नेकेड बाइक्स जो पसंद करते हैं या फिर जिनको स्टंट बाइक्स बहुत पसंद है मिनिमलिस्टिक स्टाइलिंग वाली, उनको बाइक बहुत पसंद आएगी। बाकी दोनों ही बाइक मुझे सिमिलर लगी, ज़्यादा कुछ मतलब हाइट वाइज स्टांस वाइज सिमिलर है, बट इतना है कि वो बाइक टिपिकल जो नेकेड बाइक्स होती है जो जिसका इंजन और जो बॉडी वेट है वो पूरा बीच में होता है, इसमें वैसा नहीं है। इसमें इवनली है, मतलब रॉयल इनफील्ड की तरह नहीं है कि आपको वेट फील होता है, इसमें वेट फील नहीं होगा। हैंडल बार्स पे तो ज़रा भी मुझे फील नहीं हो रहा है। ऑफ टॉर्क बहुत अच्छे से आता है, किक इन होता है। ओके फोर्थ गियर बाइक ये भी अच्छा है यार, मतलब सही में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई एम नॉट ए फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइक्स। एकदम नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ बाइक है ये, जो टिपिकल रंबल साउंड मस्त ब्यूटीफुल। मतलब ये बाइक भी ऐसा नहीं है कि आप नाराज़ हो गए इस बाइक को लेके, साउंड बहुत मस्त है यार। मस्त है, बहुत अच्छे से बनाया है। मतलब इंजन यूज़ किया है तो मुझे कभी लग रहा था कि यार पता नहीं ये कैसा होगा, भागने वाला इंजन है भी कि या नहीं, या सिर्फ आवाज़ करता है। पर ऐसा नहीं यार, बहुत अच्छे से बनाया है इंजन। ओ होंडा इज़ होंडा ब्यूटीफुल, जो इंजीनियरिंग लेवल इनकी है ना जापनीज बाइक्स की,
वो शायद कोई और मैच नहीं कर पाएगा। और रिजर्व में वो जो ऑप्शंस है उसमें से ये एक वैल्यूएबल ऑप्शन हो सकता है। ये देखो पुल, देखो बाइक का। और वाइब्रेशन नहीं है, देखो मिरर्स में भी देख रहे हो वाइब्रेशंस नहीं है, मतलब साउंड ही होता है। इतना अच्छा इंजीनियरिंग है, ऐसा नहीं कि साउंड के साथ में आपको वाइब्रेशन फ्री मिल रहा है। घूमने के लिए निकले हो भाई साहब। सुपर, सिल्की स्मूथ होंडा, सुपर यार। ये बाइक ऐसा बनाया ना कि मतलब कोई भी एक गियर भी अगर आपको उसी गियर में चलाना है तो यू कैन, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में देखा, अरे यार ये एक गियर में नहीं चलती है, ना ये ना वो ना। क्या हो गया?
सस्पेंशन भी ओके है, मतलब फ्रंट एंड बैक अच्छे से मैच किया, ऐसा कुछ ये इतना भी ये नहीं है कि अरे यार ड्यूक के ऐसा जो बहुत ही कुछ ज़्यादा स्टिफ बना दिया। मे भी ये हो सकता है कि अगर आप हेवियर साइड पे हैं तो ये आपको थोड़ा स्टिफ लग सकता है, लेकिन अगर आप मीडियम बॉडी है और आपका यू नो हाइट भी इतना नहीं है तो मैनेजेबल है, मतलब इतना भी कुछ ये नहीं है।